हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। होप कि इस ठंड में ना आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। मैंने ये जो रेसिपी बनाया है ना, घर के पनीर और पालक से बनाया है, तो देरी किस बात की। चलो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। वैसे भी हाथ बहुत ठंडे ठंडे से हो रहे हैं, तो खाना बनाने से ना थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। मैंने लिया एक कढ़ाई, उसमें डाला सरसों का तेल। खाने में स्वाद सरसों के तेल से ही आता है। फिर मैंने इसमें फटाफट जीरा, तेज़पत्ता डाला और प्याज यूं ही काट के डाल दिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की प्याज काटने में। फिर प्याज को ना थोड़ा सा हम सौते करेंगे और हल्का सा ब्राउन होते ही हम इसमें डाल देंगे नमक। और ये देखो प्याज कितना अच्छा सुनहरा सा हो गया। फिर डाल दिया मैंने इसमें हल्दी, और फिर मैंने बगल में बना करके रखा था टमाटर का प्यूरी, जिसमें मैंने अदरक और लहसुन और सौंफ भी डाला था। सौंफ से ना बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालना। टमाटर के इस प्यूरी को मैंने डाल दिया और ये देखो कैसे ये एकदम उबल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई देख करके भी, और खाने का बहुत दिल कर रहा है। फिर मैंने उबले हुए पालक का प्यूरी बना लिया था और डाल दिया। देखो कितना मेहनत लग रहा है आपको, नहीं लगेगा यार, ठंड में कौन इतना मेहनत करके खाना बनाता है। फिर मैंने इन सभी को जो है अच्छे से मिक्स किया। 5 मिनट के लिए बस ढकना है, ज़्यादा नहीं ढकना है, इसको अच्छे से कर लेना। और ये देखो घर का पनीर बनाया था तो पनीर तो बना नहीं, ये टूट टूट सा गया, तो मैंने कहा इसका हम ये करेंगे कि पालक में डाल देंगे। और ये पालक मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये पालक बड़ा अच्छा था, छोटा छोटा पत्ता था, मैंने इसको बॉयल करके रखा था। फिर मैंने ये पनीर को देखो डाल दिया, इतना बढ़िया लग रहा था ना देख करके कि दिल कर रहा था ना बनते बनते ही हम खा ले। फिर मैंने इसको फटाफट चलाया, बिल्कुल मेहनत नहीं है, ठंड में आप बच जाओगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और ये देखो कितना अच्छा मिक्स हो गया, क्या थिकनेस आई है, और ग्रेवी ना बहुत ही मज़ेदार लग रहा था देख करके। मेरी डॉटर तो परेशान थी कि मम्मा ये जल्दी बनाओ, मुझे तो खाना है अभी के अभी। खैर मैंने इसको जल्दी से 5 मिनट में मिक्स किया। और ये देखो हरा धनिया डाल के, ऊपर से आप मलाई हो क्रीम हो दोस्तों डाल दो, और रोटी पराठे किसी के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आएगा। और गर्म गर्म खाओगे ना तो और भी मज़ा आएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।